हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने नेटिव मेथड के बारे में देखा था कि नेटिव मेथड्स होते क्या हैं, क्या किस तरह से हम लोग दूसरे लैंग्वेजेस के मेथड्स को जावा में यूज कर सकते हैं। हमने DLL के बारे में सीखा था, जो कि डायनेमिक रूप से हम लोड कर सकते हैं फाइल, उसको हमने DLL नाम दिया था। और हमने ये सीखा था कि सिस्टम क्लास के अंदर एक मेथड डिफाइन था जिससे हम DLL लोड कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने सीखा था। आज मैं एक और वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ सिर्फ इस बात को लेकर कि नेटिव मेथड्स क्यों कम यूज़ होता है, क्या इसकी लिमिटेशंस है। इंटरव्यूज़ में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं नेटिव मेथड्स से रिलेटेड कि इसकी लिमिटेशंस क्या है। स्पेशली अगर एक्सपीरियंस लेवल पर इंटरव्यू हो तो चांसेस बनते हैं, और लेगेसी प्रोजेक्ट हो अगर जहाँ पर दूसरे लैंग्वेजेस के साथ साथ जावा के लैंग्वेज का यूज़ होना हो तो वहां पर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जैसा कि हमने बात की थी कि हम दूसरे लैंग्वेज के कोड्स मेथड्स को यूज कर सकते हैं जावा में कॉल कर सकते हैं, तो सुनने में तो ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिलेगी। हाँ, तो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों मिलती है? क्योंकि हमें एक्सेस मिलता है एग्जिस्टिंग बेस ऑफ लाइब्रेरीज का। मतलब कि मान लिया जाए कि बहुत पहले 10 साल 20 साल पहले जब जावा उतना पॉपुलर नहीं था तो दूसरे लैंग्वेजेस के कोड बहुत सारे प्रोफेशनल कहा जाए, या फिर बहुत सारे रियल लाइफ प्रोजेक्ट, रियल टाइम जो प्रोजेक्ट हैं उसमें चल रहा हो, और उसको चेंज करना इतना आसान नहीं हो, बहुत खर्च आए, कंपनीज की बहुत सारी लिमिटेशंस हो सकती हैं। मान लिया जाए कि किसी कंपनी में कोई कोड हो जो सी पे लिखा हुआ हो और कंपनी उसे जावा में या दूसरे जो मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं उसमें चेंज नहीं करना चाहती हो खर्च बचाने के हिसाब से, तो उस केस में महत्वपूर्ण हो सकता है। बट फिर भी ऐसा सजेस्ट किया गया है कि नेटिव मेथड्स का यूज कम से कम हो। क्यों ऐसा सजेस्ट किया गया है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। हाँ, तो पहला, अगर अगर आप पॉइंट लो तो पहला पॉइंट है पोटेंशियल। पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क, ये हमारा पहला पॉइंट है। पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क, इसका मतलब क्या हुआ कि सिक्योरिटी के साथ, सिक्योरिटी के हिसाब से यह एक थ्रेट हो सकता है अगर आप दूसरे लैंग्वेज के मेथड्स को यूज करो। जावा एक सिक्योर लैंग्वेज है, स्पेशली अगर पुराने लैंग्वेजेस सी, सी प्लस प्लस, कोबोल की से तुलना की जाए तो यह एक सिक्योर लैंग्वेज है। इस बात में कोई गारंटी, कोई शक नहीं है कि ये सिक्योर लैंग्वेज है। तो किस तरह से नेटिव मेथड्स को यूज करना सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ हो सकता है, रिस्क हो सकता है, आइए इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो देखिए, ये आपको मैं बता दूं कि नेटिव मेथड्स जो होता है वो एक्चुअल मशीन कोड को एक्सिक्यूट करता है। एक्चुअल मशीन कोड कहने का मतलब है कि मशीन कोड एक्चुअल 0 और 1 बाइट फॉर्मेट में हो सकते हैं, होते हैं। तो एक्चुअल मशीन कोड को एक्सिक्यूट करने के कारण यह आपके जो आपका होस्ट सिस्टम है, जिस कंप्यूटर जो आपका है या फिर जिस सिस्टम पे, जिस सर्वर पे यह एक्सिक्यूट हो रहा हो प्रोग्राम, वो उसका सारा पार्ट एक्सेस हो सकता है। मतलब कि देखिए, जावा का जो सिस्टम है, तो आप जावा का कोड अगर है तो यह जावा के सिस्टम के अंदर काम करता है। मतलब कि आपका ये कोड उसी सारे रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है जो जावा अलाउ करे एक्सेस करना, ठीक है। तो दूसरा मान लिया जाए कि अलग दूसरे कुछ रिसोर्सेस हैं जो कि जावा का जो हमारा सिस्टम है उसके अंतर्गत नहीं आते हैं, तो उसको ये कोड एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है। बट नेटिव मेथड जो है, ये मान लिया जाए हमारा सीपीयू है, प्रोसेसर है, तो नेटिव मेथड्स जो है वो सीधे सीपीयू के साथ यूज होते हैं। यहाँ पर नेटिव मेथड्स जो हैं वो सदा सीपीयू के साथ ही यूज होंगे, मतलब डायरेक्ट वो कोड को एक्सिक्यूट करेंगे। तो ये जावा की जो लाइनिंग थी, जो बाउंड्री थी जिसको जावा कंट्रोल कर रहा था कि हम फालतू के सिस्टम रिसोर्सेस को यूज नहीं होने देंगे, जो जरूरत हो, जो जावा को जरूरी लगे उसी को कोड यूज कर सकता था, इस चीज का वायोलेशन हो जाता है। आपके नेटिव मेथड्स डायरेक्ट सीपीयू को यूज कर सकते हैं और दूसरे रिसोर्सेज को भी यूज कर सकते हैं जो कि सिक्योरिटी के लिए एक खतरा हो सकता है।
तो यह हमारा पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क, इसलिए हमने पहला पॉइंट दिया कि नेटिव मेथड्स को यूज़ करने के कारण जिन मेथड्स जिन रिसोर्सेज को यूज़ करने की आवश्यकता नहीं भी हो, जो सिक्योरिटी के लिए खतरनाक हो सकते हैं, उनको भी नेटिव मेथड्स यूज कर सकता है और इसलिए यह एक पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क है। मतलब सीधा बोला जाए तो ये नेटिव कोड जो है, नेटिव मेथड जो है, वो जावा एक्सिक्यूशन इन्वायरमेंट के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस तरह से यह अलाउ होता है ऐसा हो जाए कि कोई वायरस हो तो वायरस इन्फेक्शन जो है वो सिस्टम में आ सकता है। अगर वायरस यहाँ पर आया हमारे इस कोड में तो वो जावा तक ही लिमिटेड रहेगा, बट अगर नेटिव मेथड्स के हिसाब से वो पूरे सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकता है। यही कारण है कि नेटिव मेथड्स तो हम जावा में यूज़ कर सकते हैं, बट एप्लेट्स जो कि मतलब कि एक वेब प्रोग्राम है, उनमें नेटिव मेथड्स को यूज़ करने का कोई औचित्य नहीं दिया गया है, कोई ऐसा प्रावधान नहीं दिया गया है कि एप्लेट्स हम जावा एप्लीकेशन में, जो कि एप्लेट्स से डिफरेंट होते हैं, नेटिव मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम लोग एप्लेट्स में जो कि वेब प्रोग्राम है उसमें हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं नेटिव मेथड्स का, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी का कंसर्न ज़्यादा होता है। अगर आप लोकल सिस्टम पे कोई एप्लीकेशन रन कर रहे हो वहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न कम होगा, बट अगर आप ऑनलाइन सिस्टम पे रन कर रहे हो तो वहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न ज़्यादा होगा, इसलिए एप्लेट्स नेटिव मेथड्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। एक बात और कि हम लोग नेटिव मेथड्स को यूज़ करने के लिए कौन से फाइल का यूज़ करते हैं, DLL फाइल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो DLL फाइल को हमें यूज़ करना होगा, यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, लोड करना होगा, ठीक है। तो कई ऐसे सिचुएशंस हो सकती हैं कि इस टाइप की जो एक्सटर्नल फाइल्स मतलब DLL फाइल्स को लोड करना एक बहुत ही खतरे की घंटी हो सकती है, और इस तरह से यह लोडिंग जो है DLL फाइल की लोडिंग एक सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है, और आपको सिक्योरिटी मैनेजर से अप्रूवल लेना हो इस DLL फाइल को यूज करने के लिए। तो इस तरह से हम ये जान रहे हैं कि यह एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, सिर्फ प्रोसेस के हिसाब से ही कॉम्प्लेक्स नहीं है बल्कि सिक्योरिटी के हिसाब से भी कॉम्प्लेक्स है। बहुत सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे अगर बहुत ज़रूरी है आपके लिए फॉलो, मतलब कि DLL को लोड करके नेटिव मेथड को यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो, तो आपको सिक्योरिटी के हिसाब से भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा, ठीक है। दूसरा है, पहला तो पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क, दूसरा पॉइंट हम ये लोग लिख सकते हैं लॉस ऑफ पोर्टेबिलिटी। हाँ, इसका क्या मतलब बनता है? तो नेटिव मेथड जो है, नेटिव मेथड या नेटिव कोड बोलो, तो वो DLL फाइल आपको लोड करना होगा उसके लिए सबसे पहले, तो DLL फाइल लोड करना होगा तो ये जरूरी है कि वो DLL फाइल आपकी मशीन में भी अवेलेबल हो, बिल्कुल। कौन से मशीन में अवेलेबल हो? वो मशीन जिस पे आप जावा का प्रोग्राम रन कर रहे हो उस मशीन में अवेलेबल होना चाहिए। हाँ, तो जावा में देखिए, जावा में पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या था कि जावा का अगर हमने कहीं भी प्रोग्राम लिखा, उसे कंपाइल किया, और कंपाइल करने के बाद जो बाइट कोड मिला, तो जावा में ये स्वतंत्रता हमें मिली हुई थी कि उस बाइट कोड को हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का हो, हमारा कंप्यूटर सिस्टम या फिर कोई भी CPU हो, कोई भी प्रोसेसर हो, उस पे डिपेंड हुए बिना हम लोग उस जावा के बाइट कोड को एक्सिक्यूट कर सकते थे। बट नेटिव मेथड्स के साथ यह स्थिति नहीं है। मान लिया जाए कि विंडोज 7 पे जो नेटिव मेथड काम कर रहा है, हो सकता है विंडोज 10 पे नहीं करे, या फिर कोई दूसरे सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम ले रहे हो, लिनक्स यूनिक्स का यूज़ कर रहे हो, तो उसमें वो नेटिव मेथड यूज़ नहीं हो पाए। तो इस तरह से पोर्टेबिलिटी का लॉस आपका होगा, आपका जो DLL फाइल है जो आपको लोड करना है वह हर सिस्टम के लिए, हर इन्वायरमेंट के लिए डिफरेंट होगा। इस कारणवश आपकी पोर्टेबिलिटी में कमी आएगी। मतलब कि देखिए, जावा को एक्सिक्यूट होने में जो ज़्यादा समय लेता है जावा, उससे जो फ़ायदा मिल रहा था जावा को, वह नेटिव मेथड को यूज़ करने के साथ ही ख़त्म हो जाता है। मतलब कि जावा के पास एडवांटेज क्या था? जावा के पास एडवांटेज ये था
आप कहीं भी राइट करो कोड और उसे कहीं भी एक्सिक्यूट करो, दूसरी जगह किसी भी प्लेटफॉर्म पर बिना टेंशन के एक्सिक्यूट करो आप बाइट कोड को लेते हुए। बट नेटिव मेथड से जुड़ा हुआ जो DLL फाइल होगा वह हर प्लेटफॉर्म के लिए डिफरेंट होगा। हर प्लेटफॉर्म के लिए डिफरेंट होने के कारण आपका यह DLL जो है वह हर प्लेटफॉर्म के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट इंस्टॉल या फिर रखना पड़ेगा हर सिस्टम में अलग अलग। तो यह आपके पोर्टेबिलिटी के लिए एक बहुत ही गलत बात है। पोर्टेबिलिटी को बिल्कुल फॉलो कर रहा है, बिल्कुल उसके रूल को बिल्कुल फॉलो नहीं कर पा रहा है वो। तो इस तरह से हर DLL फाइल जो है, DLL फाइल जो कि नेटिव मेथड्स को कंटेन करता है वह नॉन पोर्टेबल है। क्या है यह DLL फाइल? नॉन पोर्टेबल, मतलब कि जावा का कोड आपका पोर्टेबल है, DLL नॉन पोर्टेबल है। तो आप एक पोर्टेबल सिस्टम को, पोर्टेबल कोड को नॉन पोर्टेबल कोड्स के साथ मिक्सअप करके यूज करना चाह रहे हो तो यह आपके पूरे सिस्टम को नॉन पोर्टेबल बना देगा। इस तरह से जावा का जो फायदा था, जो एडवांटेज था कि वह पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, वह एडवांटेज कहीं ना कहीं वायलेट होता है, लॉस होता है। तो इस तरह से जावा एप्लीकेशन जो कि एक नेटिव मेथड को यूज कर रहा हो, सिर्फ वो एक पर्टिकुलर मशीन पे ही यूज कर पाएगा जिसके लिए वो DLL कोड, DLL फाइल रखा गया हो या फिर इंस्टॉल किया गया हो, ठीक है। तो इस तरह से अगर फाइनल कंक्लूजन की बात की जाए तो यह जो DLL, ये जो नेटिव मेथड है उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। बहुत ज़रूरी हो तब तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा यूज़ करने के अलावा, बट इसके यूज होने से, इसको यूज़ करने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप यूज़ करोगे तो वो आपके जावा प्रोग्राम को नॉन पोर्टेबल बनाएगा और सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी रिस्क भी उसके साथ आएगा। तो इसलिए नेटिव मेथड्स यूज़ करने से बचना चाहिए, ठीक है। तो ये था नेटिव मेथड्स का। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे असर्ट क्या होता है, असर्ट कीवर्ड क्या होता है जावा में, उसके बारे में। इस वीडियो के लिए धन्यवाद।